पौराणिक हिंदू कथाओं में भगवान शंकर को एक योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया है। उनका निवास हिमालय पर कैलाश मानसरोवर को बताया गया है। हिंदू धर्म में इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है और ये स्थान हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में इस स्थान की महिमा का गुणगान अलग ही अध्याय के रूप में किया गया है। भगवान शिव के निज निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन पर आज भी कई बड़े वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। सबसे पहली बात ये है कि कैलाश पर्वत पर आज तक किसी ने अपनी विजय का परचम नहीं लहराया है, मतलब ये पर्वत अजेय है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक बार चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब भी कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। यह आज भी अजेय है। अब आते हैं दूसरी बात पर। कैलाश पर्वत की चोटियों पर दो झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरी राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से कैलाश पर्वत को अद्भुत और रहस्यमयी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है? हमारी पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों के बीच में है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस बात को वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि यह धरती का केंद्र बिंदु है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसे विज्ञान की भाषा में एक्सिस मुंडी कहते हैं। इसका मतलब होता है आकाशीय ध्रुव या फिर भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। हमारे शरीर में जो स्थान हमारी नाभि का है, वही स्थान पूरी दुनिया में कैलाश पर्वत का है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर यहाँ कोई ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो या फिर पहाड़ पर मौजूद बर्फ से हवा के टकराने से भी ये ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्ति का वास है। यहाँ पुण्य आत्माएं रहती हैं। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। कई तपस्वी आज भी यहाँ तप करते हैं। उन्हें खलल ना पड़े इसलिए कोई व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई अड़चन जरूर आ जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। उनके साथ कई देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का भी ये निवास स्थान है। यहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सकता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए खास सिद्धि की जरूरत होती है। ऐसा इंसान जिसने कभी पाप ना किया हो, वो ही इस पर्वत पर जिंदा चढ़ सकता है। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी इस जगह को पवित्र मानते हैं। जैन धर्म में इस क्षेत्र को अष्टापद कहा गया है। यहाँ से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव मोक्ष गए थे। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बुद्ध का निवास स्थान मानते हैं। बुद्ध के डेमचौक रूप को कैलाश पर्वत से ही निर्वाण मिला था। कैलाश पर्वत की धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए चीनी सरकार ने इस पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। आप माने या ना माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है।
वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि यहां समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में विफल रहे हैं। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भोलेनाथ को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। माना जाता है कि जो कैलाश आकर शिव के दर्शन करता है उसके लिए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूजलीज नामक वैज्ञानिक ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक लिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेय सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए मेरा मन हल्का होता गया। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 22 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल है और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्युलोक का देवता माना गया है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ना तो उनका कोई आरंभ हुआ है और ना ही उनका कोई अंत होगा, इसलिए वो अवतार ना होकर साक्षात ईश्वर हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।